सो क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 ओके हम लोग कर रहे थे. इसमें क्या दिया हुआ है बोलता 13 ही है ना नहीं 14 हाँ क्वेश्चन नंबर 14 एबीसीडी केंद्र ओ त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर ठीक है ना. ये कितनी है एक 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर सीडी तक जो ये त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर. दो केंद्र का मतलब होता है केंद्र के ऊपर बने गए दो वृत्त. तो केंद्र का मतलब यही ओ है और यही यहां पे केंद्र भी ओ है इसके लिए जो ये बनाया हुआ वृत्त खंड. दो चाप हैं यदि ए ओ बी 30 डिग्री है तो क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. ये एचपी बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है. एचपी बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आता है ये क्वेश्चन ठीक है ना. तो आपको क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल निकालना है. क्षैतिज भाग कौन सा है ये अगर मैं फिर बोल रहा हूं आपको पेपर में आपको लगे कि टाइम कम है तो ये टाइम लगा आपको लाइनिंग बनाने की ठीक है ना. तो ये वाला लाइनिंग वाला पार्ट निकालना आपने ठीक है. डायरेक्ट निकालना है डायरेक्ट निकाल सकते हो. यहां पे लिखो त्रिज्या या बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या त्रिज्या खंड की त्रिज्या इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ठीक है ना. अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो. शेकिट मतलब शायकित बाग की त्रिज्या शायकित बाग का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट कर दीजिए दोनों को इकट्ठा. शायकित बाग का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्या खंड बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे तरीके खंड क्षेत्रफल. त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा ओवर 360 30 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक है ना. दोनों का फार्मूला वही है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हाँ दोनों में सिर्फ आर चेंज होगा बाकी एंगल भी सेम ही है. थीटा ओवर 360 इंटू 32 ओवर 7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21 और दूसरे में थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 ठीक है ना. 7 3 जा 21 0 0 3 1 जा 3 3 1 जा 6 3 2 जा सेम यहां पे भी ये आ जाएगा 12 थ्री फोर जा 12 टू टू जा 4 टू 11 और इसमें कहीं पे भी कैंसिल नहीं हुआ. इसमें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा बस 2 6 जा 12 टू 11 हाँ 7 के साथ साथ. अभी क्या आ गया आपके पास ऊपर देखो क्या क्या आ गया 11 इंटू 21 बटा डिवाइड बाय 2 माइनस 11 इंटू 7 छोड़ी डिवाइड बाय 6 एल्स यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे 231 डिवाइड बाय 2 माइनस 77 बाय 6 एलसीएम लिया 6 आ गया. तो ये आ गया 231 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस 77 693 में 77 माइनस कर दो 13 में से 7 गए 6 8 में से 7 गए 2 नहीं 8 में से 7 गए 1 और यहां पे 6 616 डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप देखो इसमें फ्रैक्शन में आया वो कि डेसिमल 308 अपॉन कुछ आ गया सब पता नहीं तो 308 अपॉन 3 है सर 3 से करते हैं 3 से 2 से 2 से 2 3 का 6 2 2 1 2 3 का 6 2 8 का 6 308 बाय 3 यस सर. डेसिमल में भी कर सकते हो आप डेसिमल में आप खुद कर लेना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर
अगर ऐसे करेंगे डेसिमल तो 102.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। लगता है आपको कोई रह गया है किंतु परंतु, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद।